हेलो एवरीवन वेलकम टू विद रंजन प्रेजेंटेड बाय एजुकेशन एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल ये जो वैकेंसी है दिस इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसमें कि आपका 44 सीटों पर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होना है बट खास बात यह है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज फॉर

तब उसके बाद आपको वॉक इन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इनके हेडक्वार्टर में या इनके सेंटर्स पर ठीक है तो इनका रीजनल ऑफिस कहां कहां पर है शिमला नागपुर कोलकाता एंड बेंगलोर और साथ ही जो एफ एस आई का हेडक्वार्टर है दैट इज इन देहरादून तो इन चार पांच जगहों में से किसी एक जगह पे आपको बुलाया जाएगा फॉर अ वॉक इन टेस्ट ठीक है अब वॉक इन टेस्ट में क्या क्या होगा

तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका वो होगा वॉक इन टेस्ट के बेसिस पे वॉक इन टेस्ट में क्या होगा इसके दो पार्ट होंगे एक होगा रिटर्न टेस्ट जहां पे एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट होगा और दूसरा हैंड्स ऑन टेस्ट होगा दूसरा हैंड्स ऑन टेस्ट होगा जिसमें कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस सॉफ्टवेयर का यूज जो है वो करना बताया जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं ओनली एंड ओनली इन दैट केस आपको हैंड्स ऑन टेस्ट दिलाना दिलाने दिया जाएगा वहां पर ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना अरेंजमेंट प्रॉपर करना है फॉर वॉक इन टेस्ट क्योंकि ये एक से ज़्यादा दिन भी ले सकता है ठीक है मल्टीपल डेज पे हो सकता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर आप इसकी पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं ये जो पीडीएफ यहां पर बोर्ड पर दिख रहा है आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सेम वेबसाइट से ठीक है नेक्स्ट थिंग अब आपका जो पोस्ट है इसकी रेमुनरेशन uh, और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखते हैं पोस्ट है टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी फोर्टी फोर रेम्यूनरेशन जो है आपका थर्टी वन थाउजेंड प्लस एच आर एज एप्लीकेबल जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी ऑफ दिस स्ट्रीम्स और साथ ही एंड लिखा हुआ है कि बीटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ डीआईपी और जी जो है वो

रिलेटेड वर्क इन द फॉरेस्ट्री एंड अदर अलाइड एरियाज में आपका एक्सपीरियंस कम से कम छह महीने का होना चाहिए और डिजायरेबल है कि वेरी हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट बेस्ड इमेज एनालिसिस एस ए आर माइक्रोवेव डेटा प्रोसेसिंग ये सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर ये और अच्छी बात है ये आपके लिए प्लस पॉइंट का, का काम करेगा मेरिट लिस्ट में आपको आगे ले जाने का वर्क करेगा ठीक है एक्सपीरियंस शुड हैव बीन ऑप्टेंड आफ्टर पोजेसिंग द असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये खास बात है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है उसके कंप्लीशन के बाद के एक्सपीरियंस को ही यहां पर काउंट किया जाएगा उसके ड्यूरेशन में अगर आपने कोई वर्क किया है या उससे पहले तो वो नहीं काउंट होता है ठीक है अपर एज लिमिट जो है दैट इज थर्टी ईयर्स एज ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू तो अपर एज लिमिट के साथ एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल है आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अदर स्टेट वाइज अगर आप देखें स्टेशन एंड पोस्टिंग एंड नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से तो देख सकते हैं कि हर ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के लिए आपको यहां पर दिखता है ठीक है हर स्टेट में कौन सा इनका स्टेशन ऑफ पोस्टिंग कहां का है वो आप देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग तो ये अलग अलग स्टेट्स का यहाँ पर दिया हुआ है ये सब अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स का आपको पूरा दिख जाएगा ये स्टेट है ये इनका पोस्टिंग सेंटर है ठीक है तो ये तो था इस पूरी वैकेंसी का डिटेल आप ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं ठीक है तो एप्लीकेशन का डेट है लिमिटेड तो अगर आपके लिए वैकेंसी यूजफुल है तो डेफिनेटली इसमें टाइम रहते हैं आप इस पर अप्लाई कर लीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में फिर से और तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड थैंक यू वेरी मच